नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मिनी बैंक के बारे में। बिहार के गांवों में काम कर रहे 8462 सहकारिता विभाग की प्रारंभिक सहकारी समितियां यानी कि पैक्स अब बैंक के तर्ज पर किसान को सुविधा देगी। ऐसे में अब सभी बैंकों की तरफ से पैक्स को भी कोर बैंकिंग से जोड़ा जाएगा। इसके बाद यहां पर माइक्रो एटीएम सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। पैक्स बैंकिंग की शुरुआत को लेकर चालू वित्तीय साल के पहले चरण के तहत 294 पैक्सों को कोर बैंकिंग सर्विस के तहत जोड़ा जाएगा। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा प्रति पैक्स 3,40,000 रुपये का आवंटन किया गया है, जो कि कंप्यूटरीकरण और फिर सहकारी बैंकों के कोर बैंकिंग रेगुलेशन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसको पैक्सों के साथ साथ किसानों की भी खासा सुविधा होगी। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के पैक्सों के कोर बैंकिंग को जोड़ने की माइक्रो एटीएम सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इसका लाभ सीधा किसानों को मिलने वाला है। इसकी शुरुआत होते ही डेबिट कार्ड स्वाइपिंग आधारित और बायोमेट्रिक प्रणाली के इस एटीएम से ग्रामीण अपने खाते से धनराशि निकाल सकेंगे। इस एटीएम से ग्रामीण सहकारी बैंकों के साथ ही अन्य राष्ट्रीय और निजी क्षेत्र के डेबिट कार्ड से धनराशि निकाली जा सकती है। इस नई प्रणाली की शुरुआत को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि सभी पैक्सों के ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। पैक्स को माइक्रो एटीएम को संचालित करने की जिम्मेवारी निभाने वाली बिजनेस प्रतिनिधियों को जल्द ही प्रशिक्षित किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि जिला सहकारिता बैंक से खाताधारक माइक्रो एटीएम का संचालन करने वाले बिजनेस प्रतिनिधि के माध्यम से धनराशि अपने खाते में जमा कर सकते हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अगले वित्तीय साल में 2391 पैक्स में कंप्यूटर लगा दिया जाएगा। ऐसे में यह भी कहा गया है कि सभी पैक्स कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा। इसको लेकर करीब 58.81 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि पैक्स सहकारी बैंकों के एक्सटेंशन के रूप में काम करेगा। पैक्सों के माध्यम से फिलहाल सालाना 10 लाख रुपये माइक्रो एटीएम के माध्यम से निकासी की जाएगी। यह भी कहा गया है कि जैसे जैसे ग्रामीण इससे जुड़ते जाएंगे, इसमें जो है और बढ़ोतरी की जाएगी। इसको लेकर बोलते हुए सहकारिता विभाग के सचिव वंदना प्रियसी ने कहा कि सभी पैक्सों का कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चालू वित्तीय साल 2021-2022 में 294 पैक्सों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। नाबार्ड और राज्य सरकार द्वारा 50-50 की सहभागिता के आधार पर पैक्सों का कंप्यूटरीकरण और फिर जिला केंद्रीय सहकारिता बैंकों और फिर बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के कोर बैंकिंग सर्विस सॉफ्टवेयर के साथ इसको एकीकृत किया जाएगा। तो एक तरह से कहें कि पैक्सों को एक अहम जिम्मेवारी मिलने वाली है, जिससे कि किसानों को खासा लाभ मिल सके, जिससे कि किसानों को जो है भटकने के लिए इधर से उधर ना जाने पड़े पैसा निकालने के लिए। अब जो है वो पैक्स के माध्यम से भी मिनी बैंक के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।